Good morning and welcome back, students. So here we are doing the chapter 1 of history, and we saw many things which changed over this whole 1000 years. Now, new social and political changes. There are number of social changes because people from various countries were coming to this subcontinent, which is now called in India. So, like Persian, and like French, like many people from outside are coming to India, and that's how we are also developing some new things. Now here you can see at different moments in this period, new technologies made their appearance, like Persian wheel in irrigation. Now when irrigation, जब हम सिंचाई करते हैं, तो एक Persian wheel का introduction हुआ. Okay, so वो उसमें इरिगेशन में सिंचाई में काम आ सके, एक मोटर की जैसा पानी हमेशा चलता रहे. स्पिनिंग व्हील इन वीविंग एंड द फायर आर्म्स इन कॉम्बैट, ये सारी चीजें. स्पिनिंग व्हील इन वीविंग, वीविंग जो चरखा बुनते हैं, हम चरखा चलाते थे वीविंग करने के लिए. एंड फायर आर्म्स इन कॉम्बैट, फायर आर्म्स इन कॉम्बैट मतलब कह सकते हो कि नए नए यू नो गन पाउडर, इन सब का इंट्रोडक्शन हुआ. तो ये जो अलग अलग कारतूस बनाना, अलग अलग चीजें बनाना, गोला बारूद बनाना, ये सारी चीज भी इंट्रोड्यूस हुआ. न्यू फूड एंड बेवरेजेस, फूड मतलब खाना, नए किस्म के कुछ खाना हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया. एंड बेवरेजेस, बेवरेजेस एज इन ड्रिंक, समथिंग टू ड्रिंक, एज इन टी, कॉफी, ये सारी जो चीजें होते हैं इसको हम बेवरेजेस कहते हैं. सो नाउ अराइव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट पोटैटोज, कॉर्न, चिली, टी एंड कॉफी. मतलब सोचो, ये जो रोजमर्रा की जिंदगी में हम खाते हैं पोटैटो, एक्चुअली इंडिया का नहीं है, ये बाहर कोई देश से आया है. कॉर्न, मकाई जो खाते, ये हमारे इंडिया का नहीं है. चिली एज इन मिर्ची भी हमारे इंडिया का नहीं है. टी भी नहीं है, कॉफी भी नहीं है, ये दूसरे किसी देश से आया है हमारे इंडिया में, और धीरे 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 करके हम लोगों ने ये टेस्ट को डेवलप किया और ये हमारे रेगुलर यूज की चीजें बन गई है. रिमेम्बर ऑल द इनोवेशंस, न्यू टेक्नोलॉजी, क्रॉप्स केम अलॉन्ग विद द पीपल. अब बाहर से कोई इंसान आए, उनका फूड हैबिट अलग है. यू नो इट वेरी वेल कि अगर कोई यूएस से आता है, ऑब्वियसली उसका फूड हैबिट अलग है, तो वो क्या चाहता है, अपना खाना यहाँ पे मिल जाए उसको. फॉर एग्जाम्पल जैसे पिज्जा, इट्स एन इटालियन फूड. सो इटली से कभी ना कभी कोई ना कोई आया होगा, या फिर कोई इंसान यहाँ से इटली घूमने गया होगा, उसको पिज्जा खा के बहुत अच्छा लगा, तो उसने क्या किया, इंडिया में आके वो बनाया, और बना के जब इंडियंस को खिलाया तो उनको भी बहुत अच्छा लगा. तो ऐसे कर करके, धीरे धीरे करके हम एक नए नए चीजों को डेवलप कर रहे थे. एज अ रिजल्ट द पीरियड ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल चेंजेस टुक प्लेसेस. नाउ द ग्रेट मोबिलिटी, ग्रुप्स एंड पीपल ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी. नाउ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर मूव, पहले भी हम लोगों ने देखा था. नाउ दे वर सर्चिंग फॉर मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटी, वन मोर वेल्थ, मतलब ज्यादा पैसे कमाने के लिए, अच्छा फ्यूचर होने के लिए, ये सारी चीजों के लिए वो लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करने लगे. वन ग्रुप ऑफ पीपल हु बिकेम इम्पोर्टेंट इन दिस पीरियड वेर द राजपूत. राजपूत जो थे ना, इस टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट हो गए. राजपूत की और भी स्टोरीज हम ये चैप्टर्स के बाद में हमें पढ़ने को मिलेगा. राजपुत्र, द सन ऑफ द रूलर, मतलब राजपुत्र मतलब जिस राजा का जो बेटा होता है उसको हम राजपुत्र कहते हैं. बिटवीन द 18th एंड द 14th सेंचुरीज द टर्म वाज अप्लाइड मोर जनरली टू अ ग्रुप ऑफ वॉरियर्स हु क्लेम क्षत्रिय कास्ट स्टेटस. कास्ट पहले क्या था, आप देख रहे होंगे एंशियंट इंडिया में, तब था कि रूलर और उनके प्रजा थे, थोड़े बहुत डिसिमिलरिटीज थे सारे में, लेकिन ये शुरू हुआ राजपुत्र से, एज इन राजा थे. राजा ने कहा कि हम लोग क्षत्रिय हैं, हम लोग हमेशा लड़ाई करेंगे, ये है हमारी जाति. इसी से शुरू हुआ हमारा जातिवाद, और ये जो जाति वाले मतभेद हैं इसी से शुरू हुआ. ये देखो द पर्शियन व्हील इन वीविंग, इससे क्या होता है, इसे मोटर जैसा काम करता है, कंटिन्यूअस पानी का एक ये होता रहता है,
So this is Persian win. Not just ruler, chieftains also, and the soldiers, commanders who serve their armies, different monarchs are also over the subcontinent. A chivalric code of conduct, extreme valor, and great sense of loyalty, we were the qualities, attributes of Rajputs and their poets and bards. Other groups of people such as Maratha, Sikh, Jat, Ahom, Kastyas are the scribes and the secretaries also use the opportunity of the age and become politically important. So ये जो है जो राजा के साथ रहता जो अपने सोल्जर में आर्मी में रहता तो उन लोगों ने तो बोला कि हम क्षत्रियस है हम राजपूत है उसके साथ साथ भी हम लोग दूसरे चीजें देखने को मिलती जैसे मराठा सिख जाट अहोम एंड कायस्थ तो ये जो सारे लोग है ना ये अपने मुल्क के लिए अपने अपने डायनेस्टी के लिए अपने किंगडम के लिए भी लड़ाई करते थे. Okay, now about this period, gradually clearing the forest and extension of agriculture are large faster more than the areas others. यहाँ पे इसी टाइम पे हम लोगों ने देखा क्योंकि लोग बढ़ने लगे अलग अलग रीजन बनने लगे तो सब अपना अपना रीजन को कैप्चर कर लिया और धीरे धीरे फॉरेस्ट को काटने लगे और लार्ज लार्ज जो एरिया है उसको बनाने लगे एग्रीकल्चरल लैंड. Changes in habitat forced many forest dwellers to migrate. Habitat मतलब जहाँ पे हम रहते हैं जिस जो lifestyle हम follow करते हैं जहाँ जिस हिसाब से हम रहते हैं उसको हम habitat कहते हैं. तो उनके जो forest में रहने वाले लोग को कहीं कहीं दूर दूर जाके बसना पड़ा. The new peasants group gradually began to influence in the regional market. The chieftains, the priests, the monasteries and temples. They became a part of large complex societies and were required to pay tax of offer goods and services to local lords. तो ये सारी चीजें भी very important हो गए. Regional peace, chieftains, monastery में रहने वाले और temple में रहने वाले जो लोग थे और जो बाहर से temple visit करने के लिए आता तो उनको अलग अलग टैक्स पे करना पड़ता. ये तीर्थ यात्रा करने वाले लोग होते थे उनको टैक्स पेमेंट भी करना पड़ता. Some possessed more productive land and also kept cattle. Some combined artisans work and agricultural activity during the lean season. As society became more differentiated, people were grouped into jatis or subcastes and ranked on the basis of their background and their occupation. So rank is not permanently fixed and varied according to the power. So rank was not permanently fixed. मतलब सबको अपना अपना काम मिल गया. यहाँ से हमें देख सकते हैं कि अलग अलग लोगों को अलग अलग काम मिलता है. मतलब सोचो यहाँ पे कहते कि जो पॉटर होते थे जो मटका बनाते थे घड़ा बनाते थे उसका बेटा घड़ा ही बनाएगा सालों साल वही काम होता रहेगा. ऐसे जाति भेद शुरू हो गया कि अच्छा ये लैंडलॉर्ड है इसके पास लैंड ओनर ये जमींदार है तो ये अपर कास्ट में हो जाएगा और जिसके पास कोई लैंड या जमीन नहीं हुआ है उसको लो कास्ट में ढकेल दिया गया. तो धीरे 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 उनका जो वंश है धीरे धीरे करके लो कास्ट में ही चला गया और जो अपर कास्ट है वो अपर कास्ट में ही रह गया. द स्टेटस ऑफ द सेम जाति कुड वेरी फ्रॉम एरिया टू एरिया. एरिया टू एरिया में भी डिपेंड करते थे कैसे करके जाति भेद होगा. जाति स्वयं देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन टू मैनेज द कंडक्ट ऑफ देयर मेंबर्स. दिस रेगुलेशन वेयर फोर्स्ड टू असेंबली द एल्डर्स डिस्क्राइब्ड इन सम एरियाज एज जाति पंचायत बट जातीज वेयर आल्सो रिक्वायर्ड टू फॉलो रूल्स ऑफ देयर विलेजेस. सेवरल विलेजेस वेयर गवर्नड बाय द चीफटेंस टुगेदर दे वेयर ओनली अ स्मॉल यूनिट ऑफ स्टेट. सो यहाँ पे देखा गया कि जाति ने अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने लगे थे. मतलब जैसे हम लोग कहते हैं कि हम हिंदू हैं लेकिन कोई हाई कास्ट है कोई ब्राह्मण्स है तो कोई शेड्यूल कास्ट है तो कोई माइनॉरिटी क्लास कास्ट में है तो सारे अलग 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 कास्ट में. मतलब अलग धर्म तो बहुत दूर की बात है लेकिन हमारे हिंदू धर्म में भी कितने भेदाभेद है कितने डिस्क्रिमिनेशन है. So, ये सारे चीजें इसी टाइम से डेवलप हुई. ये आज से नहीं शुरू हुआ ये तभी से शुरू हुआ 1700 या उससे भी पहले से ये शुरू हुआ है जब मिडिवल इंडिया से लोग अपने में भेदाभेद करने लगे थे. ओके डिस्क्रिमिनेट करने लगे. सो टुडे अप टू हियर टुमारो विल द रेस्ट ऑफ द चैप्टर. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.